द हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें, इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आदिवासियों को जिस तरह से आप लगातार देखते हैं, पूरे देश में किस तरह सताया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है, उसी तरह से राजस्थान में एक शख्स को पीट पीट कर मार दिया गया। यहाँ इल्ज़ाम जो लगा उन पर, क्या है पूरा मामला, वो जानने की कोशिश करेंगे। सर पहले अपना नाम बताएँ, उसके बाद बताएँ क्या है पूरा मामला। मेरा नाम विनोद नायक है, मैं भारतीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या है पूरा मामला जो आप बता रहे हैं? राजस्थान जालौर में कार्तिक भील नाम के युवा लड़के को उसका घर बार तोड़ दिया गया, जो 500 साल से था, सरकार की तरफ से पट्टा मिला हुआ था और तमाम उसके पास प्रमाण होते हुए भी वहाँ का विधायक कोई अग्रवाल करके है, वो उसने वहाँ पे हटाया क्योंकि वहाँ पे जैन लोगों की बस्ती है और एक ये भील आदिवासी था, तो बोले भील की क्या ज़रूरत है, इसको भगाओ, तो उसको मार पीट करके भगाया गया और उसमें उसकी जान भी बच सकती थी मगर उसको ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं मिला और वो मर गया। उसके हक अधिकार के लिए नबा कुमार सानिया जो कोकराझार आसाम के सांसद हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ कार्यक्रम था और हमको गुजरात से यहाँ बुलाया गया था। अच्छा, क्यों आदिवासियों पर अत्याचार होता है? वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है ना राजस्थान में। तो देखिए, कांग्रेस और भाजपा एक ही चट्टे बट्टे, एक ही सिक्के के दो बाजू है। राजस्थान में एक ही नहीं हुआ, इसके पहले एक 8 साल के बच्चे को, स्कूल के दलित के बच्चे को पानी पीने के उस पर मार दिया था, एक औरत को जलाया गया था। तो कांग्रेस हो या भाजपा, ये शासन किसका है? इस देश की समाज व्यवस्था में गैर बराबरी चली आई है और पिछड़ी दलित हो, आदिवासी हो, इनके ऊपर ये अत्याचार होता आया है और इसको रोकना है। आदिवासी ST SC OBC दलित टोटल मिलाकर 80 से 90% हैं, लेकिन वो न समाज में उनको एक महत्व मिलता है, न ही सियासत में उनका कोई हिस्सा है, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? उसकी जागरूकता के लिए क्या काम कर रहे हैं? देखिए, इसके लिए हम ही नहीं, कई सालों से ये प्रयत्न शुरू है क्योंकि हिंदू समाज व्यवस्था में दलित, पिछड़ा, OBC ये लोग 6,742 जातियों में बटे हैं और इनको देश के संविधान निर्माता अंबेडकर साहब ने जोड़ने के लिए 3 हिस्सों में उनको बांटा गया। आप भी हिंदू धर्म को मानते हैं? हम भारत के बौद्ध धर्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को नहीं मानते? हिंदू नाम का धर्म ही नहीं है तो फिर मानने की बात कहाँ है? हिंदू धर्म का कोई नाम नहीं है, ये सनातन धर्म है। ये आज जो हिंदू धर्म बोलते हैं वो ब्राह्मण धर्म है, वो हिंदू धर्म नहीं है। बीजेपी तो है जो सुकोड़ बताती है कि हिंदू है भारत में, तो किनको शामिल करती है? देखिए, बीजेपी बोलती है वो माइनॉरिटी है, वो लोग मुट्ठी भर है और वो अपने आप को हिंदू कहलाते हैं। यही समाज के लोग जो अपने आप को आज हिंदू बोल रहे हैं, 1890 के पहले वो अपने आप को आर्य बोलते थे, मगर आत्मानंद दयानंद सरस्वती उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश किताब में लिखा है कि हिंदू ये आइडेंटिटी है, धर्म नहीं है। मुगल शासकों ने हमें दी हुई आइडेंटिटी है हिंदू, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है जो सदियों से चला आया है। कर रहे हैं हिंदू की राजनीति करती है बीजेपी? हिंदू के नाम पे वोट नहीं कर रहे हैं, हिंदू के नाम पे नहीं। मोदी जी, RSS, बीजेपी, ये सिर्फ मुसलमान का विरोध करके हिंदू का वोट लेते हैं। आप लोग हिंदू होने के नाम पर उनके साथ शामिल भी हो जाते हैं? नहीं, ST OBC दलित, SC OBC जो जानते नहीं है, जो विचारधारा से जानते हैं कि हम लोगों को ये गुमराह करते हैं, वो नहीं उनके समर्थन में है। और आज उनका जो गुजरात में भी समर्थन दिख रहा है चुनाव में, वो सिर्फ और सिर्फ EVM घोटाला है। EVM घोटाला आप बता रहे हैं, बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। आपको पता नहीं, इल्ज़ाम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है 2004 में और 2009 में मनमोहन सिंह की कांग्रेस की जब सरकार बनी, उस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी BJP के राज्यसभा के सांसद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि EVM से घोटाला होता है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि EVM से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन, चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि EVM में घोटाला होता है तो VVPAT लगाया जाए, तो VVPAT का आदेश हुआ, मगर फिर चुनाव आयोग जो BJP का सहयोगी बनकर काम कर रहा है उसने VVPAT लगाया जरूर मगर उसकी गिनती नहीं किया। तो VVPAT के साथ अगर उसका मिलान होता है तो कभी भी BJP नहीं जीत सकती है।
इलेक्शन कमीशन कहता है, चैलेंज करता है, तो आप जो प्रूफ करके दिखाइए सारे। देखिए मगर वो प्रूफ करने की क्या, उसको मिलान करने में क्या दिक्कत है? वो कहते हैं रिजल्ट हमको जल्दी चाहिए। आज अमेरिका में कहीं में भी चुनाव होता है, विश्व के विकसित देशों में भी, वहाँ पे बैलेट पेपर से होता है चुनाव, वहाँ पे ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं। आज विश्व में सब जगह बैन है, मगर भारत पे ये ईवीएम लाया गया।